स्मार्ट लग रहा नहीं, स्मार्ट नहीं लग रहा, बंद कर दे, जल्दी स्टार्ट कर, चल चल स्टार्ट करो। तो गाइस हम लोग वापस से निकल चुके हैं, आज रात में दुर्गा पूजा का षष्ठी है। ये हम प्रशांत कैमरा के पीछे है, हम लोग तीनों निकल चुके हैं। थोड़ा देखते हैं, हम लोग पंडाल हॉपिंग करेंगे, देखते हैं कहाँ क्या बना नहीं बना, आप लोगों को दिखाते हैं। व्लॉग बने रहे, आज के व्लॉग होगा हो हल्ला होगा, और कल का व्लॉग सब और भारी भारी होगा। फिर मेरा ज़्यादा करीबी दोस्त लोग आएगा व्लॉग में, अभी ड्यूटी है, ठीक है। मानना पड़ेगा, लेकिन सौरभ आज कूल लग रहा भाई, कूल लग रहा ना बहुत ज्यादा। हम ये लग कपड़ा, हम ये जैकेट पहले नहीं देखे थे, पहले हम पहने थे एक ये लंबू का जैकेट है, ठीक है। तब तक रख लिया ना, जब तक ये जैकेट, जब तक लंबू का छोटा ना हो जाए, आइए पहन के रख लिया। ये अपना काम में वापस से करने लगा मजनू भाई, इसका काम छुटता नहीं है और इसका मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि इसका फीवर था, इसको हम लोग जबरदस्ती खींच के लाए हैं, देख रहे हैं। और देखिए उसको देखिए, अरे भाई तुम लोग चलेगा, थोड़ा निकलेगा यहाँ से पेट्रोल पंप से बाहर, प्लीज निकलना जल्दी, चलना रे भाई, तुम पीछे बैठ के भी तो काम कर सकता है, वहाँ पे पंडाल उंडाल आ जाएगा, पीछे बैठ के भी तो कर सकता है तुम, आवाज आएगा मेरे ख्याल से। नहीं आवाज से क्या मतलब है, हम पंडाल में नहीं जा रहे ना, अभी हम लोग तो घूम रहे हैं, चलो बकवास मत कर। दुल्हन का जैसा शहर सज गया है, क्या समझा, तेरा काम हुआ भाई, बस भाई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे होगा, अकाउंट में होना भी तो चाहिए। चलो रहा है दुर्गा पूजा, क्या देखो आप, ये है आदिपुर, यहाँ जाम चालू हो गया पुल क्रॉस करते ही, गाइस गाड़ी यहीं लगा दे, दुर्गा पूजा का षष्ठी है आज, खाली सोचिए आप, गाड़ी लगा दे, चुपचाप रहो, गाड़ी कहीं नहीं लगेगा, एकदम पंडाल में घुसा। हम लोग एक भैया को कन्विंस करके लाइन के बीच में घुस गए हैं, है ना, और हम लोग का एक लड़का है जो आगे, उस सोचा कि कुछ ज़्यादा ही आगे जाकर, बच्चा देख रहा है, तो एक लड़का है जो कि आगे जाकर सोचा है कि सबसे आगे चल जाएगा, सबसे पहले पंडाल देख लेगा, वो हर बार अकेले ही भागता है देखने के लिए, सर्कस में भी, सर्कस में भी भागा, यहाँ भी भागा है। अभी हम लोग का एक भैया मिल गया हमारे पीछे ही है, जो कि कन्विंस करने से हम लोग के पास मतलब दे दिए लाइन में बीच में घुसने के लिए, पर आगे लाइन देखिए कितना ज़्यादा लंबा लाइन है। तो षष्ठी का दिन, षष्ठी का दिन ये हाल है आदिपुर का, तो अगर आप अष्टमी नवमी का दिन आना चाहते हैं, तो आप अगर अष्टमी नवमी को आ रहे हैं तो सोचिए क्या हाल होने वाला है। आप कौन सा कमेटी से भैया, आइए चलिए लाइन में लगिए, ऐसे खड़ा नहीं रहना, पंडाल ही नहीं देखना, इसको क्या मतलब, क्या नहीं देखना, हम खड़े हैं वहाँ, मेरा तो फ्लैट है पीछे, चलो जी, क्या करना चाह रहा तुम कुणाल। हाँ ये चीज सही है कि बेटा बाप का हाथ पकड़ के घूमता है, पकड़ लो हाथ, पकड़ लिया तुम, नहीं नहीं तुम हाथ मेरा पकड़ लो, भीड़ में तुम बुलाना है इसलिए पकड़ लिया, आराम से चल, ऐसे तुम पहुंच चुके हैं मलखान सिंह के पंडाल के पास, पहुंच गया, हाँ पहुंच, पहुंच गया तू घर जा, अरे भाई मतलब यहाँ से दिख रहा ना पंडाल, पंडाल तो दिख रहा। दोस्तों हम लोग आ गए हैं द्वार के पास, आदिपुर पंडाल का ये द्वार है, सबसे फ्रंट द्वार यही बोले, बस यहाँ से आपको पंडाल दिखेगा थोड़ा देर में अंदर, 15 मिनट चलने के बाद भीड़ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना रहता है, क्योंकि सस्ती है। मूर्ति की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो मेन मूर्ति अंदर में लगा है, इसलिए ज़्यादा नहीं रहना, क्या सर की बोलचे दादा, जाना ना उसका बाप बनने का कोशिश मत कर। तो घूम लिए आदिपुर पंडाल, देख लिए, बहुत खूबसूरत है आदिपुर पंडाल, अगर घूमना है आप लोगों को तो षष्ठी सप्तमी ठीक है घूमने के लिए, बट आप सोचोगे कि अष्टमी और नवमी को आए तो बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भीड़, अभी हम लोग 15-20 मिनट में आ गए पंडाल के अंदर, लाइन लग के उस दिन ना दो तीन घंटा लग जाता है, आदिपुर का पुल है वहीं से आप लोगों को लाइन दिखेगा, अगर आप लोग उस दिन आ रहे हैं अष्टमी नवमी को तो आप लोग का बैंड बजने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा। प्रशांत कहाँ गया, प्रशांत भाग गया,
पहले फटीला फटीला जाएंगे संडे का दिन निकलेंगे अपना जिगरी दोस्त लोग के साथ, देखिएगा व्लॉग। संडे नहीं, कल कोई काम का नहीं, संडे का नहीं, सैटरडे का दिन निकलेंगे, मतलब कल ही निकलेंगे, सप्तमी है, कल आ जाएगा दोस्त लोग, है ना, मेरा दोस्त आएगा, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी लोग तो संडे का घूमेगा ना, मेरा भी जिगरी है, जिगरी ठीक है, मेरे लिए होगा, मेरे लिए जिगरी है, देख रहा क्लिप काट रहा, एक मर्द का बच्चा होगा तो क्लिप काट रहा। लोग इतना क्यों देख रहा है गौर, एकदम घूर घूर के आगे हम बैठे, शायद हम लोग अब ब्लॉग से पहचान लिया, देखना आगे, देखिए अपलोड नहीं हुआ है, ज्यादा भीड़ हो रही है, अपलोड नहीं हुआ है, 550 आदमी यहीं घूम रहा है, हम लोग का सब्सक्राइबर है, आगे पीछे भीड़ लगा हुआ है, इसीलिए गाइस गाइस कैमरा बंद करो, गाड़ी का लगाया, लॉक किया, चोरी नहीं होना चाहिए बाबू, तो पैसा 5 गज स्प्लेंडर आएगा उसमें। चलिए हम लोग आ गए हैं स्टेप में, बेस्ट स्टेप के अंदर जाते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ कैसा बना है, यहाँ भी सुंदर बनाता है पंडाल, चलिए साथ में देखते हैं, सुंदर बनाता है, तुमको तो कुछ नॉलेज भी नहीं था, तुम बोले वहाँ कैसा बनाता है, मैं कभी गया, अबे वहाँ अंदर वाला बोला स्टेप वाला, अबे यहाँ आके खड़ा होके बात किया है आशुतोष से, यहाँ आया बाद में तुमको कुणाल फिर बदमाशी करेगा, नहीं लाएंगे, चलो घर चलो, अरे खाने में क्या है यार, ऑनलाइन लेते हैं ना, हम लोग को पंडाल में हमारे मिले हैं एक भाई, आपका नाम बताइए सर, राहुल, राहुल और एक है आपका नाम ऋषि, ऋषि, ये दो भाई मिले हम लोग का, मतलब हम लोग को ब्लॉग बनाते हुए देखे हैं, तो हम लोग को आए पूछे और हम लोग का चैनल भी सब्सक्राइब किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, ऐसी प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, हाँ जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हम लोग ऐसे कंटेंट ला रहे हैं, जितना भी जमशेदपुर का है ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे लोगों को, कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कराइए और ये आईफोन ले देगा। चलते ना भाई, बटके हम लोग आ गए हैं कुछ ऐसा पंडाल में जो कि बहुत अलग है, जमशेदपुर में बहुत अलग है, भीड़ भी नहीं है, मतलब लगता है हम लोग आपको आज जमशेदपुर का ना अंडररेटेड पंडाल दिखाएंगे। अबे सबका मुंह बंद हो रहा है, अभी बंद हो रहा है, अरे घुस घुस घुस, कुछ तो अंदर होगा, अभी सांप को भूख लगा नहीं है तो इसलिए अपना मुंह खोला नहीं है, अभी इंतजार करना होगा, जब उसको भूख लगेगा तब हम लोग जाएंगे उसका पेट भरने। अच्छा बनाया है, कुछ देखते हैं अंदर जाके, खुल गया खुल गया खुल गया, आराम से भाई, ये बहुत अलग है, तेरे में कुछ अलग है भाई, आराम से उतर भाई, कुछ तो अलग है, ये बहुत सही है, अरे बहुत सही है, इसका मुंह बंद होगा, मुंह बंद होगा, मुंह नहीं है, ये मुंह नहीं है, ये सांप का पुच्छी है, पुच्छी क्यों बंद हो रहा है, तो क्या बात है,
ये देखिए इसका मुंह बंद हो गया, अब फिर इंतजार करना पड़ेगा। गाइस ये कुछ यूनिक था पंडाल, अच्छा था। आदिपुर का मतलब अंदर साइड में थोड़ा पंडाल, देख रहे सांप वाला, मजा आया देख के, सांप का मुंह में घुसना, अंदर जाना है दुर्गा पूजा पर दिखा रहा भूत को नहीं पता क्यों, बट ठीक है मजा आया। चलते हैं फिर कलर वगैरह चेंज हो रहा, अंदर कंकाल है दुर्गा माँ का मूर्ति में अंधेरा है, नहीं पता क्यों क्या सोचा ये लोग, पर ठीक है बाहर का क्रिएटिविटी अच्छा है। तो चलते अब ये हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं दूसरा जगह, अब देखते हैं कौन सा जगह जाना, क्योंकि बज चुका है दो बज गया। गाइस आंख में हल्का हल्का नींद आ गया है क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है, 1-2 बज गया तो भीड़ कम हो रहा है, तो हम लोग वहाँ से अभी सी एच एरिया तरफ आ गए हैं। सी एच एरिया का पंडाल हम लोग को पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि ये पंडाल में बहुत ज़्यादा ही वो रहता है, हरियाली खूबसूरती जो बोलिए सब तरीके का रहता है यहाँ पे। तो हम लोग आज लेट कर दिया था नहाने में, फिर भी चलिए यहाँ घूमते हैं, और उसका भी फीवर आ रहा है पूरा सौरभ का, तो जा रहे हैं। देखिए पागल हो गया है, पगला है, उसको फीवर आई है, इसलिए हम लोग थोड़ा पंडाल लास्ट देखते हैं, उसके घर जाते हैं क्योंकि आज भीड़ भीड़ है नहीं। यहाँ का पंडाल ऐसे ही होता है गाइस, थोड़ा सा कवर जैसा बनाया जाता है, कुछ बड़ा नहीं होता है, बस यहाँ खाने पीने का सामान लगता है चारों तरफ। अभी भीड़ तो यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत खचाखच भीड़ रहता है 7-8 बजे, यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। मैं तेरे को कौन सा टेस्टी मिलने वाला है आज का बनाया सुनो ना, आज का बनाया हुआ छोला 10वीं तक बेचता है, पता है कि नहीं। यहाँ का आइए देखा जाए, यहाँ भी दर्शन कर लीजिए। हम और ये आए हुए हैं, लेकिन हम लोग को फोटो खींचने के लिए नहीं बोलेगा वो लड़का, वो अकेले ना टाइमर लगा के फोन रख के फोटो खींच रहा है, क्योंकि फोटो अपलोड करने के बाद दिखेगा ना कि वो बहुत अकेला है लाइफ में, उसका कोई दोस्त नहीं है ऐसा ऐसा कुछ, उसने अकेले टाइमर, अरे भाई हम लोग दोनों दे भाई फोन खींच दे रहे फोटो नहीं, अपना रख के टाइमर लगा के हमेशा स्ट्रगल दिखाना, पता है हाँ दिखाना, आज भी स्ट्रगल कर रहा है ये वो। तो दोस्तों अब हो गया है बहुत ज्यादा रात, हम लोग अंदर से निकल भी गए सी एच एरिया वाला जो पंडाल है, सुबह हो गया, 3 बजने वाला, ठीक है। तो हम अंदर से निकल चुके हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि सस्ती है, और रात का 3-3 बज गया है तो अब भीड़ नहीं रहेगा उतना। तो हम लोग ब्लॉग एंड कर रहे हैं, जा रहे घर, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है हमको और उसका फीवर आ रहा है, तो हम लोग जाते हैं घर और ब्लॉग को एंड तक देखिए, यहाँ तक पहुँचे तो एंड तक पहुँच ही गए होंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए हैं चैनल पर, तो और तब से मिलते हैं आप लोग से एक नए ब्लॉग में, चलिए गुड नाइट।